आपके लोकप्रिय प्रत्याशी अनवर हुसैन दगुड़िया हमारे छत्तीसगढ़ से कोंटा विधानसभा के 5 बार के विधायक, जो कभी स्कूल नहीं गया लेकिन अच्छे अच्छे के कान काट ले विधानसभा में, बिना पढ़े उत्तर देते हैं, किसी सहयोग की जरूरत नहीं। अभी आपने उसका भाषण सुना, स्कूल कभी नहीं गए, गरीब परिवार का, गांव का पहले सरपंच बना, उसके बाद लगातार 1998 से लेकर अभी तक 5 बार विधायक, और जब तक लड़ेगा तब तक रहेगा। कितना लोकप्रिय भाई कवासी लखमा दंगोड़िया, और अभी आपने जिसका बहुत ही ओजस्वी भाषण सुना, जो उत्तरी आसाम से, अपर आसाम से 3 लोग लड़के आए हैं, रूप ज्योति कुर्मी दंगोड़िया, अजय फूकन दंगोड़िया, आरपी शर्मा दंगोड़िया, 3 लोग सामने बुलाता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के सुपड़ा साफ करके आए हैं, ताली बजा के इनका स्वागत करें। अंग्रेज, ये अंग्रेज की 2 नीति, एक हिंदुस्तान को खोखला करो, सोने की चिड़िया को लूट के इंग्लैंड ले जाओ, ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूत करो, और दूसरा नीति फूट डालो और राज करो। कांग्रेस के नेता उस समय जिन्होंने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक ने कहा था, हिंदुस्तान में 3 धुरी है, 3 एंगल है, 3 बिंदु, 3 केंद्र बिंदु है, एक अंग्रेज का, दूसरे हिंदुओं का, तीसरा मुसलमानों का। जिस दिन हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे, हिंदुस्तान से अंग्रेज भाग जाएंगे। और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के अगुवाई में आजादी की लड़ाई लड़ी गई। महात्मा गांधी ने सब प्रांत के, सब भाषा भाषी, सभी जाति धर्म के मानने वाले लोगों को एक सूत्र में बांधा, और जिस दिन सभी लोग एक साथ आ गए, अंग्रेज यहां से भाग गए, जिसके राज में कभी सूर्यास्त नहीं होता, वो गोरे अंग्रेज चले गए,
लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो आजादी के लड़ाई में कभी इनका योगदान नहीं रहा, वो उनके मानने वाले अंग्रेजों के अनुयायी वही नीति आज भी हिंदुस्तान में लागू करके रखे हैं। हिंदुस्तान में कांग्रेस ने जो 70 साल में बनाया, उसे लुटवाने का काम, बिकवाने का काम, सारे संपत्ति बेचने का काम, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे ONGC हो, चाहे स्टील प्लांट हो, चाहे पावर प्लांट हो, चाहे ऑयल फील्ड हो, वो सब को एक एक करके बेच रहे हैं। जी कहते हैं हम दो हमारे दो, दो सरकार में है, दो बाहर में है, दो बेचने का काम कर रहे हैं, दो खरीदने का काम कर रहे हैं, पूरी संपत्ति उन दो लोगों के जेब में। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी आज वेस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, लूटने का काम, और दूसरा फूट डालो राज करो। आसाम में प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं, रक्षा मंत्री आते हैं, कपड़ा मंत्री आते हैं, लेकिन कभी उन्होंने 5 साल की उपलब्धि के आधार पर वोट नहीं मांगा। उन्होंने नहीं कहा कि हम सड़क बनाए इसलिए वोट दो, वो ये नहीं कहते हम नौजवानों को रोजगार दिए इसलिए वोट दो, जो इसलिए नहीं वोट नहीं मांगते हमने माताओं बहनों का सम्मान दिया, वो ये नहीं कहते कि ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारे हमने सड़क बना दी इसलिए वोट नहीं मांगते। वो तो आपके बीच में भेद डाल के, भाई भाई को लड़ाकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। उनका तो एकमात्र उद्देश्य है फूट डालो राज करो, राम नाम जपना, पराया माल अपना। ये है कांग्रेस आपको अधिकार देने का काम करती है, संविधान के तहत आपको मताधिकार, आपको शिक्षा पाने, रोजगार कहीं भी जाके करने के, अभिव्यक्ति की आजादी, ये अधिकार आपको संविधान के तहत मिला है। वहीं भोजन प्राप्त करने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये सब अधिकार देने का काम कांग्रेस ने किया है। 5 गारंटी की बात कांग्रेस कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों के तरह आपके जेब में डाका डालने का काम कर रही है। आपसे कहा था विदेश से काला धन लाएंगे और 15-15 लाख सबके खाते में जमा करेंगे, नहीं हुआ। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, नहीं मिला। नोटबंदी की 51 दिन में सब स्थिति सामान्य हो जाएगा, लेकिन साथियों आपके जेब से पैसा निकाल के बैंक में डाला गया, और उनके जो मित्र हैं वो बैंक को लूट के विदेश भाग गए, कितने उनके साथी भागे हैं। बिक रहा है LIC, बिक रहा है ऑयल फील्ड, बिक रहा है स्टील प्लांट, बिक रहा है, सब बेच रहे हैं। जो आपकी गाढ़ी कमाई से बना उसे अपने दोस्तों को देने का काम, आपके खेत काटने का काम, और कांग्रेस पार्टी आपको अधिकार संपन्न बनाने का काम कर रही है। फर्क क्या है? एक तरफ कांग्रेस जोड़ने का काम, दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम। एक तरफ आपको अधिकार संपन्न बनाने का काम, दूसरे तरफ आपके अधिकार छीनने का काम तय आपको करना है कि आप हिंदुस्तान के हजारों साल की जो हमारी संस्कृति है, हमारे संत महात्माओं ने प्रेम और भाईचारा के संदेश दिए हैं, शांति का संदेश दिए हैं। कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया सवाल करते हैं। 3 साल चतुराई से मोदी जी अपना भी जोड़ लेते हैं, 1947 से 2017, 70 साल होते हैं, 2014 में प्रधानमंत्री बन गए। आसाम में आनंद सर्वानंद,
सर्वानंद मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आसाम के लोगों को आनंद नहीं मिला। मिला क्या? मिला है कुछ लोगों को। असम में सर्वानंद, सिंडिकेट को आनंद। असम में सर्वानंद, सुपारी सिंडिकेट को आनंद। असम में सर्वानंद, बालू सिंडिकेट को आनंद। असम में सर्वानंद, कोयला सिंडिकेट को आनंद। असम में सर्वानंद, गाय तस्करों को आनंद। वही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यहाँ सिंडिकेट की सरकार चल रही है, इसे उखाड़ फेंकने की जरूरत है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप कांग्रेस के और महाजोट के जो प्रत्याशी हैं भाई अनवर हुसैन, नहीं होगा, ये आपकी पहचान को समाप्त कर देना चाहते हैं। आसाम की अस्मिता को समाप्त कर देना चाहते हैं, वो खतरे में है, इसलिए पूरे आसाम खड़ा हुआ है अपनी पहचान, अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति बचाने के लिए। दूसरा, टी वर्कर्स को 365 रुपया देने के बाद ये 351 रुपया नहीं दिए, हमारी सरकार आएगी तो टी वर्कर को 365 रुपया देंगे। तीसरा, अरे माताओं बहनों को, हर घरेलू बहनों को 2000 रुपया प्रति माह सम्मान निधि दी जाएगी। इन्होंने तो कुछ नहीं दिया, इनके नेताओं के बोल के बारे में अभी हमारे शर्मा जी बोल रहे थे। हेमंता शर्मा जी ने क्या कहा आपने सुना होगा, एक और मुख्यमंत्री बने उत्तरांचल में, नए नए बने रावत जी, उन्होंने कहा कि आप दो जने हो तो आपको 10 किलो चावल मिलता है, 10 बच्चे पैदा क्यों नहीं किए, 100 किलो चावल मिलता। क्या चावल लेने के लिए बच्चा पैदा करेंगे? उनके सामान्य ज्ञान कितना है इसको भी सुन लीजिए। वो कहते हैं कि 200 साल तक अमेरिका ने हिंदुस्तान पे राज किया। अरे अंग्रेज 200 साल रहे भाई, अमेरिका के लोग यहाँ कब्जा नहीं किए थे हिंदुस्तान में भाई। ऐसे सामान्य ज्ञान वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं आदरणीय साथियों। चौथी गारंटी, 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी 5 साल में दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो हर साल 5 लाख की बात करती थी, लेकिन हम 5 साल में 5 लाख नौजवान जिसे हम कर सकते हैं वो बोल रहे हैं। और आखिरी, जिसे सब उपयोग करते हैं, सभी घरों में लगा हुआ है, 200 यूनिट तक के बिजली बिल माफ रहेगा। 200 यूनिट तक बिजली बिल आपको पटाने की जरूरत नहीं है। तो 5 आपको गारंटी। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय नेता, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब के लिए जोरदार ताली मारा के स्वागत करना है। और उसके साथ हमारे असम के बुलंद कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सभी युवा कांग्रेस का नेता, हमारा प्रत्याशी, ये दोनों नाम है गणेश, और उनके लिए मैं जोरदार ताली मारा का स्वागत कर रहा है। और अब हम लोग 2000 किलोमीटर से आए तुम्हारे गांव में, 2000 किलोमीटर छत्तीसगढ़ से आया हमारा मुख्यमंत्री। हमारा मुख्यमंत्री इसलिए आया है यहां पर आसाम चुनाव में, सबसे झूठ बोलने वाला और डारी वाला प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान से भगाना है। हमारे असम को यह 5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री बना, यह डबल इंजन का सरकार चल रहा है, इनको
बना की क्या बाजार देता है लोकसभा चुनाव 2014 में हिंदुस्तान का आवाज को एक झूठ बोला है बड़े बड़े नारी बना कर भाई और बहनों मैं भारत हिंदुस्तान का चौकीदार बनाऊ एक साथ सा दो बार हो गए चौकीदार बन के ₹360 तुम्हारे नौजवान पढ़ लिखे इनको मैं 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे कांग्रेस का सरकार आएगा आज हमारे बेटी खाना बनाने वाला महिलाओं को हम गारंटी देंगे कि ₹2000 महीना देंगे মুসলিম মহিলা কি হয়
बच्चा बोलो मिसी नए देखे के ऊपर में टपकी पड़ी निकी ना बापे अगर देवता के ऊपर उड़ाई ले इमर जाऊं से मैं उत्तर दियो नीजर मार नीजर भामी भामी बेजती बोलो मानो राजनीति ठग में ना लगे मां भामी दे इज्जत लोग आ आमे की मानो मातृभक्ति दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती रूप दिशु कर्म भक्तिमान और हिमांशु शर्मा बेजती करे जोने धर्म जी धर्म के आगे हिंदू मान में बच्चा बनाना सिले आगे बने सिले हाँ भाई तोरा हो हाँ बनी स्वाजी बोली सौदों जन को पढ़ते हिंदू मान में भारी भारी बने सिला आगे थे आरु मुसलमान भी जीते बोले और 35 सदन का वोट मिला के बोले मुसलमान और तब तो अखों में मुसलमान आसे बंगाली आसे थलुआ आसे बिहारी मुसलमान आसे तार माने 35% वोट अलग लगे ईमानदार विश्वास और बीजेपी नीति वो और कोनो बार मुसलमान है वही जो भी बीजेपी वोट दिए कई मानो मुसलमान भाव ना आ रहे कई मानो निजर जाति निजर धर्म निजर माँ निजर देवता निजर खानदान निजर आत्मा भी गिर वो खानदान और राइस एक बार और निर्वासन हो अचंत निर्णय निर्णय निर्वासन अखमर अखमर अस्तित्व अखमियतो अखमियार स्वाभिमान भाका संस्कृति धर्म और खाद्य और जाति माटी भेदिये दे बसा बोला गे ए बार कांग्रेस और जो युक्त करो कांग्रेस आई आसे अंतिम सोच रही थी कि वहां बीजेपी जीतेगी 47 में से लोगों 37 सीट मिल रहा है 47 में अभी तो 37 सीट आगे अपना समाज नॉर्थ में हमारे एरिया तो वहां का सांसद का नॉर्थ में 18 सीट में से 15 सीट हमने जीत रहे हैं 15 सीट बीजेपी हाय हाय और 2 तारीख का दिन में बाय बाय आसाम से धन्यवाद नमस्कार छत्तीसगढ़ माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल डांगरिया छत्तीसगढ़ उद्योग मंत्री माननीय लाटमा डांगरिया आज सभार मुख्य आकर्षण मोर भातृपुटीम अनवर हुसैन उर्फे गणेश डांगरिया मोर आन एगारी भातृ रुबुल आली डांगरिया बंधुवर बापुकन आली डांगरिया मोर आन एगारी बंधु विधायक मरियनिर विधायक रूपज्योति कुर्मी डांगरिया श्रद्धेय रामप्रसाद शर्मा डांगरिया खूब सरपाई तहतक पाई मैं मंच उपविष्ट महिला कॉग्रेसर सभानेत्री दीपाली बैदेव इत मंच उपविष्ट विशिष्ट व्यक्ति और मोर सम्मुख समबेत हुआ हजार हजार श्रद्धेय कॉग्रेस कर्मी मोर श्रद्धा निवेदि और एट कथा कब इतने समबेत हो मैं टिकट विचार दले आम 11 जने टिकट विचार और दले एजनक योग्य विवेचना कर टिकट दिसे मैं एजन निष्ठावान कॉग्रेस कर्मी सेबाबे मैं दलर सिद्धांत सम्मान जाना मैं मोर भातृ अनवर हुसैन उर्फे गणेश डांगरिया जयुक्त निर्वाचन मैं जो कई उठी पड़ लगे मैं प्रतिगढ़ कॉग्रेस कर्मी और राइजक मैं एट कथा कम सैया हल जो 5 बसर आप बीजेपी शासन और हाजुत बीजेपी विधायिकार शासन आपन देखिसे जो 6 माह धरी मैं अपना अंचल घूरी तत मैं गम पासी आपनलोर विशेषक मुसलमान उद्योषित अंचल सुमन हरिप्रिया डांगरिया जी हाजू समष्टिर विधायिका कैसे अपना हाजू समष्टिर नी धरी और हाजू समष्टिर संख्यालघु उद्योषित एलक उन्नयनमूलक काम नक तुम समष्टिर विधायिका ने एक निर्दिष्ट अंचल विधायिका সেই প্রশ্নটোর উত্তর আপনাদের এইবার নির্বাচন বিচার লাগবে মানে স্থানীয় যুবক গণেশর এই হাজু সমষ্টির মাটি পানি বায়ুর সম্পর্ক আছে গণেশে এই ইয়ারে প্রতিগী মানুষের দুঃখ দুর্দশা বুঝে
আৰু সেইবাবেই এজন দুখ দুৰ্দশা বুজা মানুহক আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰতিনিধি কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী হৈ পৰিছে। আৰু মই সেইকাৰণে আশা কৰিছোঁ যে অন্তত হাজোৰ ৰাইজে সুমন হৰিপ্ৰিয়াৰ দৰে অবিবেচকী যাৰ কোনো কাণ্ডজ্ঞান নাই এমএলএ হিচাপে যিকোনো মানুহক তেওঁলোকৰ সমষ্টিৰ মানুহ হিচাপে গণ্য কৰিব নিবিচাৰে তেনেকুৱা এগৰাকী বিধায়িকাক ইয়াৰ পৰা উৎখাত কৰিব লাগিব। কিন্তু অকল সুমন হৰিপ্ৰিয়াক নহয়, সুমন হৰিপ্ৰিয়াই আপোনালোকক বা বিজেপিয়ে আপোনালোকক ভোট বিচাৰি আহিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে ছদ্মবেশত এটা জাতীয়তাবাদী চোলা পিন্ধাই এজনক পঠিয়াইছে। কাক পঠিয়াইছে মই নাম নকওঁ, আপোনালোকে সবেই জানে। বিজেপিয়ে যিবোৰ জেগাত ভোট বিচাৰিব তেওঁলোকৰ সাহস নাই সেইবোৰ জেগাত ভোটটো বিভাজন ঘটাবলৈ সেইজনক জাতীয়তাবাদী চোলা এটা পিন্ধাই পঠিয়াইছে। যোৱা ছয় মাহ আগলৈকে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ টিকট বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছিল। ছয় মাহ আগত যেতিয়া তেওঁ বুজি পালে যে কংগ্ৰেছৰ টিকট তেওঁ নাপায় তেতিয়াই তেওঁ এটা জাতীয়তাবাদী চোলা পিন্ধি ল'লে। আৰু বিজেপিয়েও তেওঁক আজিৰ তাৰিখত তেওঁৰ গাড়ীখনত একেলগে বিজেপিৰো প্ৰচাৰ চলে, জাতীয়তাবাদী জাতীয় পৰিষদৰটো প্ৰচাৰ চলে, তাতে বিজেপিৰো প্ৰচাৰ চলে। তাৰ মানে এটা মুদ্ৰাৰে পিঠি সিপিঠি। এই কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখক, এই কথাটো মনত ৰাখি ভোটদানৰ দিনা আপোনালোকে এই কথাটো জানিব যে জাহাজত ভোট দিয়া মানে বিজেপিক ভোট দিয়া। আৰু এই কথাটো আপোনালোকে ভোট দিয়াৰ দিনা মনত ৰাখক। আৰু আনোৱাৰ হুছেইন, মই পুনৰ কৈছোঁ, আনোৱাৰ হুছেইন আমাৰ স্থানীয় ল'ৰা, এই হাজোৰ মাটি পানী বায়ুৰ লগত সম্পৰ্ক থকা ল'ৰা, প্ৰতিগৰাকী মানুহক তেওঁ এটা সম্বোধনেৰে মাতে। কাৰোবাক কাকা কয়, কাৰোবাক খুৰা কয়, কাৰোবাক আতা কয়, কাৰোবাক নানা কয়, তেওঁ আপোনালোকৰেই ল'ৰা। আৰু সেইবাবেই আনোৱাৰ হুছেইনক আপোনালোকে জয়যুক্ত কৰি এটা ইতিহাস ৰচনা কৰিব লাগিব, কাৰণ ইয়াতে বিজেপিক ইয়াৰ পৰা বিদায় দিব লাগিব, বিজেপিক হাজো সমষ্টিৰ পৰা চিৰদিনৰ কাৰণে বিদায় দিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে অহা 6 এপ্ৰিলত আপোনালোকে এই কথাটো মনত ৰাখি কৰক যে আমাৰ যিহেতু কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছে, সেই কংগ্ৰেছ চৰকাৰত যাতে হাজোৰ ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণ 6 তাৰিখে আপোনালোকে নিশ্চিত কৰে। এগৰাকী বিধায়িকাই যদি কয় কৰোণা কেঞ্চাৰ বোলে গৌমূত্ৰ ভাল হ'ব, আজি এনেকৈ হাঁহি উঠিল, তেখেতো হাৰিব, নিশ্চিতভাৱে হাৰিব, বেয়াকৈ হাৰিব। আৰু আজি প্ৰমাণ কৰিলে যে ইমান বেয়াকৈ হাৰিব সুমন হৰিপ্ৰিয়া, আজি আপোনালোকে প্ৰমাণ কৰিলে হাজোবাসী ৰাইজে। এগৰাকী মন্ত্ৰী পত্নীয়ে কি কৈ আছে এইকেইদিনত যে কা যদি কোনোবাই নামানে বোলে এবাৰ বোলে বিদেশলৈ খেদি বিদেশলৈ বোলে পঠিয়াই দিব, ভাৰতৰ পৰা খেদি দিব। মইতো কৈছোঁ মই বৌ বুলি মাতোঁ, পিজু চৰ্যোগে ডাঙৰীয়া সহধৰ্মিনী আহিব, আমি বৌ কৈছোঁ মই আমেৰিকা চাবলৈ খুব মন, খালি টকা নাই আমেৰিকা যাবলৈ। আপোনালোকে যাব মন আছে নেকি মোৰ লগত? আমেৰিকা যাব, আমেৰিকা, অষ্ট্ৰেলিয়া, নিউজিলেণ্ড আমি যাব পাৰিম, যোনে য'ত যায়। আজি কি কথা কয় তেওঁলোকে কৈছিলে কি, তেওঁলোকে কৈছিলে কি আমাক জাতি মাতি ভেটি ৰক্ষা হ'ব, তেওঁলোকে কৈছিলে বস্তুৰ দাম কমিব, আৰু তাতকৈতো চৰম সীমা পাৰ কৰি দিলে। মুছলিম মহিলা বোলে সন্তান জন্ম দিয়া মাতৃ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এই কথাটো কৈছে। মই তেতিয়া গম পালোঁ যে এবাৰ কংগ্ৰেছে তালি চৰকাৰ বা বিজেপি হাৰিব, আজি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি মুছলিম মহিলাক অপমান কৰা নাই, সমগ্ৰ অসমৰ মহিলাক অপমান কৰিছে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আপোনালোকে ইয়াৰ জবাব অসমৰ ৰাইজে। আজি আমাৰ উজনি অসমত হোৱা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত আমি পিপল ভোটৰ কংগ্ৰেছ কাগজ কল বাগান, বিএছএনএল বিক্ৰী কৰিলে, এয়াৰচেল বিক্ৰী কৰিলে,
বেংক বিক্রী হব বিক্রী করবলে লৈছে দুদিনের কারণে আজি স্ট্রাইক করলে বেংকের কর্মচারী আজি আজি এই নরেন্দ্র মোদী আজি এই নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি দলের আজি কেন্দ্র এই নেতৃবর্গ আজি প্রত্যেক ভারতের রাইজে আজি ইয়ার জবাব দিয়ে আছে। রাজস্থানত বিজেপি সরকার অতরাই রাজস্থানের রাইজে কংগ্রেস সরকার আনলে, ছত্তিশগড়ত বিজেপি সরকার অতরাই কংগ্রেস সরকার আনলে, আজি নাগপুর আর এস এস এলের ঘাটি মহারাষ্ট্র তার শিবসেনা কংগ্রেসের নেতাজী সরকার হল, এবার যে পুনর খাব নয় কংগ্রেস নেতাজীর সরকার হয়ে আছে, এই বিজেপি দলে ইয়ার জবাব পাব। আজি কি কৈছিল আমার মূল্য বৃদ্ধি, আলু দাম বহালে, পিঁয়াজের দাম, হালদি মশলা চেনি নিমখ অকল নক, গ্যাসের দাম 400-900 টাকা, কেসি তেলের দাম 12-45 টাকা, মোবাইলের রিচার্জ কার্ড 10-150 টাকা, কারেন্টের বিল, মাটি খাজনা, ডিজেল পেট্রোল, আজি যেগুলো খেতিয়ক রাইজ, আজি আপনাদের মটর পাম্প লয় পেলায় পানি সিঁচি পেলে আপনি খেতি করেছিল, ট্রেক্টর চলাইছিল, পাওয়ার টিলার চলাইছিল, আজি আপনাদের পানির হাঁ নচরা অবস্থা হয়েছে। ইয়ার যেগুলি আজি বিধায়িকা আজি কি কয় বোলে রাসায়নিক সার দি পেলায় বোলে আজি হাজু বাকি কৃষকসকলে আজি রাসায়নিক সার ব্যবহার করার কারণে অসুবিধা হয়েছে। আজি তোমালোকর সরকার আছিল, তোমালকে কেন জৈবিক সার নিদিলা, ভার্মি কম্পোস্ট তোমালকে কেন নিদিলা, আজি চাকরি তাকরি একো দিব নোৱাৰিলে, মূল্য বৃদ্ধি রোধ করব নোৱাৰিলে, অঙ্গনবাদী কর্মী, আশা কর্মী, কারো আজি যে দরমা বৃদ্ধি করব নোৱাৰিলে, চাহ বাগানের শ্রমিক 351 টাকা দিম বলে কেবল ঠকিলে, স্বজনগোষ্ঠী জনজাতিকরণ করবেন বলে ঠকিলে, মাটি পট্টা দিম বলে ঠকিলে, কোনো স্থলে লোকক আজি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব নোৱাৰি, এটা তেনকে কি কৈছে, যোবা কৈছে জাতিবাদী ভেটি, এবার কৈছে সভ্যতা, সভ্যতা হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া আপনি সভ্যতা তেতিয়া শেষ করে দিলে, তেতিয়া শেষ করে দিলে সভ্যতা, যেটা কাল আন্দোলন 5 জনক আপনাদের একে ভাবে গুলিয়া হত্যা করলে, তেতিয়া আপনাদের সভ্যতা শেষ করে দিলে, তেতিয়া সভ্যতা শেষ করে দিলে, যেটা সাংবাদিকক আপনাদের গালি পড়া আরম্ভ করলে, মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকাই হোক, রমাকান্ত দেউরী মরিগাঁওয়ের বিজেপি এমএলএ হোক, আপনি যেটা মহিলাক আক্রমণ করব ধরলে, অর্পণ করব ধরলে, তেতিয়া সভ্যতা শেষ করে দিলে আপনাদের। আজি সন্মানীয় রাইজ, আজি 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 নিজের আজি নিজের জালুকবাড়ি সমষ্টি বাহিরে আজি হাজু কাষতে লাগি আছে, আজি নলবাড়ী মই গৈছিলোঁ এটা সময় কিমান ধুনীয়া রাস্তা আছে কংগ্রেস সরকার দিনত, আজি হাজুর রাস্তা মেইন রোড আপনার একেবারে খতম হয়ে গেল, আজি কিনারটা লাগি থাকে, আজি নিজের অকল সমষ্টি, নিজের সমষ্টির কথা চিন্তা করলে, নিজের অকল জালুকবাড়ি সমষ্টির মন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মায় এটা ইয়াক প্রচার করব আছে, মূল যিমানটো দৃঢ় বিশ্বাস, আজি হেমন্ত বিশ্ব শর্মায় এটা একো করব নোৱাৰি, আজি এতিয়া তেওঁলোকে সভ্যতার কথা কই মোগলের কথা কব বিচাৰিছে, মোগলের কথা কই, মোগল হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া দেশ স্বাধীন হল, মোগল কেতিয়াবাই গল, দেশ স্বাধীন হল, এটা কিমান চাকরি দিলা তোমালে, কিমান বস্তুর দাম কমালা, তেল শিক্ষকসকলক কিমান নিয়মীয়াকরণ করিলা, অঙ্গনবাদী কর্মী, আশা কর্মী পৰা আদি করে যিসকল আজি নিবনুৱা যুবক যুবতী কিমান সংস্থাপন দিলা, আজি বিয়া পাতিলে এতটা সোণ দিম বলে কৈছিলে, কিমান এতটা সোণ দিলা, সাইকেলের জায়গায় স্কুটি দিম বলে কৈছিলে, কিমান স্কুটি দিলা, তার জবাব লাগে আমার, তার জবাব নাই হেমন্ত বিশ্ব শর্মার, তার জবাব নাই হেমন্ত বিশ্ব শর্মার। সন্মানীয় রাইজ, মই গুৱাহাটীত বহি পেলাই রাজনীতি করব বিচাৰে, হঠাৎ যদি আপনার কাবার যদি কাবার দুর্ঘটনা হয়, কাবার যদি বেমার হয়, কাবার যদি বিয়া সকাম বা আদি করে ক্রিকেট খেল, ফুটবল খেল, ভলিবল খেলের কারণে কাবার অসুখ বিসুখের কারণে অসুখ সহায় প্রয়োজন হয়, আপনার স্থানীয় এজন মাটির মানুষ লাগিব, সেয়া হল আপনার সম্মুখত আপনার নিজের লড়া আনোয়ার হোসেন ডাঙরিয়া, আপনাদের ভোট দিয়ে শিকাও, আপনি ভোট দিয়ে শিকাও, কংগ্রেস নেতাধীন মহাজোট উন্নয়ন সরকার হয়ে হব গৈ আছে, কংগ্রেস নেতাধীন মহাজোট উন্নয়ন সরকার হব গৈ আছে, আমি কথা দিছো আপনাদের আনোয়ার হোসেন ডাঙরিয়া জিকাও, আমি অকল বিধায়ক হিসেবে নারাখো, এটা আমি কেবিনেট পর্যায়ের যিকোনো